देखिए हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो लिस्ट अपर बाउंड को हम बोल सकते हैं LUB, ये कॉमन डिनोशन लिस्ट अपर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को GLB, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखिए इससे पहले हम बता चुके हैं क्या कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो उसी के थ्रू होगा, जैसे कि हमारा SN कोई एक सीक्वेंस होता था, ठीक है, SN हम सीक्वेंस ले लिए, तो इसमें क्या कहते थे कि हम SN सीक्वेंस है, इसमें एक कोई एक फाइनाइट रियल नंबर होता था, जैसे कि फाइनाइट रियल नंबर मान लेते हैं हमारा M था, ठीक है। तो फाइनाइट रियल नंबर हमारा M था, तो ये जो रूल फॉलो कर रहा है मीन सच दैट, इस तरीके से होता था सच दैट, देखिए क्या कि हमारा SN जो है वो SN अगर लेस देन इक्वल M हो गया फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N में नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो SN अगर लेस देन इक्वल टू M हो जाए तो क्या होता था, ये हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस होता था, बाउंडेड एक्चुअली में जो SN जो होगा बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गया SN। तो देखिए ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गया, तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है फाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड निकालना है। ये जो हमारा सीक्वेंस है ना, इसमें हम निकालेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड, फाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड निकालेंगे SN में, और उसी में देखेंगे कि अपर बाउंड में सबसे छोटा, लिस्ट अपर बाउंड निकालना, अपर बाउंड में सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा उसी को हम बोलेंगे लिस्ट अपर बाउंड, ठीक। और इसी तरह देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में भी देखिए यहाँ जो होगा वो बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किस तरीके से होगा, तो SN हमारा सीक्वेंस सेम एज इट इज रहेगा, और हमारा जो सच दैट इस तरीके से होगा कि SN जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू M हो जाए, ठीक है, फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N में। तो ये हमारा SN जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू M हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे बाउंडेड, बाउंडेड UN, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस हमारा SN जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे कि फाइनाइट नंबर ऑफ, इसमें अपर बाउंड निकाले थे, अब फाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड निकालेंगे, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में सबसे बड़ा एलिमेंट उसी को हम बोलेंगे GLB, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे, ठीक। चलिए इसका देखते हैं प्रॉपर डिफिनेशन एक्चुअली में, ठीक। तो प्रॉपर अगर डिफिनेशन लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए जो हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस है उसे भी लिखेंगे, ठीक है, देन फिर बाउंडेड बिलो जो सीक्वेंस होता है वो भी हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट के लिए। तो इसके लिए देखते हैं लिस्ट अपर बाउंड के लिए, ठीक। तो लिखेंगे क्या कि लेट देयर बी अ सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस क्या होगा कि हम SN भी सीक्वेंस ले सकते हैं, AN भी सीक्वेंस ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारा PN भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे AN सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कुछ AN इस तरीके से, ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है। हम अभी तक जान रहे थे कि SN हमारा सीक्वेंस, SN डिनोशन, PN डिनोशन, AN डिनोशन, कोई भी डिनोशन कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो डेफिनेट रूल को ही ना फॉलो करके फिर हमारा एलिमेंट आएगा तो हमारा सीक्वेंस ही हो जाएगा, ठीक। तो हम डिनोशन कोई चीज से कर सकते हैं, तो AN देन इफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर होगा जो कि हम M देते हैं सच दैट, क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा AN है वो लेस देन इक्वल टू M हो जाएगा फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N में बिलोंग करेगा, ठीक है, ये हमारा कैपिटल M है, ठीक है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। देन द सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारा AN इज सेड टू बी, क्या हो जाएगा हमारा, बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गया, ठीक। फिर इसमें क्या लिखेंगे, देखिए कि क्लियरली, यहां से लिखते हैं क्लियरली द अबव, अबव सीक्वेंस में
क्या है कि बाउंडेड सीक्वेंस है, क्लियरली द अबव सीक्वेंस इज बाउंडेड, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ये जो हमारा ए एन है वो हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस सीक्वेंस, तो दस वी गेट हमें क्या मिलेगा, एन देखिए इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट होगा, हम बोल रहे थे फाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड होगा, देन फिर क्या होगा कि उसमें हम लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स आउट ऑफ सो मेनी, सो मेनी अपर बाउंड्स अमोंग ऑल विच इज स्मॉलर, मीन्स उसमें सबसे छोटा, ठीक है, जो सबसे छोटा हमारा अपर बाउंड रहेगा, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो सबसे छोटा अपर बाउंड इसी को बोलेंगे हम क्या कि स्मॉलर अपर बाउंड, स्मॉलर अपर बाउंड बाउंड, ठीक है, स्मॉलर अपर बाउंड्स बाउंड इज कॉल्ड क्या, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि देखिए बाउंडेड अबव सीक्वेंस होना चाहिए, बाउंडेड अबव सीक्वेंस हमारा हो गया, इसमें क्या हुआ कि इनफिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड, ठीक है, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हमें मिलेगा, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड में क्या करना है कि देखिए सो मेनी अपर बाउंड रहेगा एमोंग ऑल विच इज स्मॉलर अपर बाउंड, हमें स्मॉलर को एक सबसे छोटा, स्मॉलर अपर अपर दो बार लिखेगा, स्मॉलर स्मॉलर अपर बाउंड्स, ठीक है, तो स्मॉलर अपर बाउंड्स हम लेंगे, उसमें से सबसे छोटा स्मॉलर अपर मीन्स सबसे छोटा अपर बाउंड लेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या कि लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए, तो क्या हुआ कि लेट देयर बी अ सीक्वेंस ए एन इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर एम सच दैट, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से चेंजेस हो जाएगा, सच दैट ये हमारा जो है ए एन ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा एम हो जाएगा, फॉर ऑल and the sequence is said to be bounded below sequence, ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको erase कर देते हैं, देखिए bounded below sequence हो गया, ठीक, then तो देखिए क्या कि bounded below sequence है, means क्या हो जाएगा कि इसमें भी बहुत सारे लोअर बाउंड्स रहेंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स रहेंगे, तो लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा हमें लेके आना, ठीक है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा उसी को हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आउट ऑफ सो मेनी, आउट ऑफ सो मेनी, सो मेनी क्या है लोअर बाउंड्स है, लोअर बाउंड्स देयर इज देयर इज वन जो कि हमारा रहेगा विच इज द क्या लार्जेस्ट, मीन्स क्या ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा ही लेंगे ना, तो लार्जेस्ट विच इज द लार्जेस्ट एमोंग ऑल, मीन्स सब में से एक कोई एक हमारा ये रहेगा नंबर जो रहेगा वो हमारा क्या होगा लार्जेस्ट होगा अमोंग ऑल द लोअर बाउंड, ठीक है, बाउंड्स इज कॉल्ड क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक, तो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, तो ये हमारा हो गया लिस्ट अपर बाउंड, ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का डिफिनेशन देखिए और लिस्ट अपर बाउंड का हम डिफिनेशन बता चुके हैं, ठीक, थैंक यू।